सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर राजा क्वेश्चन बैंक का। हमारे पास विज्ञान का ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें हमने आपको बता दिया था भौतिक विज्ञान में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर जो आता है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको याद रखना चाहिए संयोजन, और ये संयोजन अभिक्रिया कौन होती है, अभियोजन कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, जोन कुछ भी होती है, ये सारे आपको मतलब इनको पूरा ये पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये कैसे कैसे हो रहा है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे लौह चूर्ण में तनु, मतलब ये जितने भी क्या होता है वाले क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, अभी वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, और यहाँ पे किस नियम के आधार पर समीकरण संतुलित करना आधारित है, तो ये आपको पढ़ लेना है। और आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ खास समीकरण। ये जो दिया गया है ये वाला, भोजन में के पाचन में किस प्रकार का प्रक्रिया होती है, पढ़ लीजिएगा। बुझाए और चूने का सूत्र, तो ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे ये यक्ष मान करके जो करने वाला होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे दिया गया है क्या होता है जब संतुलित करना या फिर वगैरह वगैरह, ये जो क्वेश्चन है। और यहाँ पे संतुलित करने वाला आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ऊष्माक्षेपी ये जरूर पढ़ लीजिएगा, और उत्क्रमणी ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, तो उसमें वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर पढ़ लीजिएगा। साथ में यहाँ पे दिया है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिंक यहाँ क्या होता है जब एक टुकड़ा, तो आप ये वाला पढ़ लीजिएगा और ये वाला पढ़ लीजिएगा, मतलब ये पूरा पढ़ ही लीजिएगा एक बार, हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो कुछ है उसको एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक बस करते हैं, बहुत हुआ। आगे चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये पिछले साल आया हुआ है। और यहाँ पे और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे मंद और तीव्र अभिक्रिया क्या क्या तात्पर्य है, इसको पढ़ लीजिएगा, और बस हो गया। इसमें जो कुछ था इम्पोर्टेंट मैंने देख लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे अम्ल क्षार लवण के बारे में बात करेंगे, तो आप इसमें जो इम्पोर्ट ये पूरा जो दिया गया है स्मरणीय तत्व, तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना जरूरी ही है। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेने के बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन दिया जाता है दुर्बल अम्ल, ठीक है, ये जो दिया गया है जो भी पिछले साल आया हुआ है वो आप एक बार देख लेंगे। और ये अम्लीय व्यंजन मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होता है, ये आप एक बार देख लेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान याद रखेंगे, एक व्यंजन का पीएच मान है तो 5 है, तो उसका अम्लीय है या क्षारीय वो आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है और एक ही प्रबल अम्ल, ठीक है, उसको देख लेंगे। देखने के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग दिया गया है, और धावन सोडा का उपयोग देख लीजिए क्या, और टूथपेस्ट और दंतमंजन की प्रवृत्ति जो होती है ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे कठोर और मृदु जल में इसमें सोडियम यौगिक का उपयोग कैसे करना है, मतलब ये वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है, जब चूने में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, इसको आप देख लेंगे। और यहाँ पे अम्ल क्षार लवण क्षारक जो कुछ भी है इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अभिक्रियाओं को संतुलित सहित पूरा कीजिए, इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है। और पीएच मान की परिभाषा, पीएच की परिभाषा आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है अलग अलग रूप में, तो उनको भी आप देख लेंगे। और कुछ और क्वेश्चंस जैसे कि यहाँ पे दो दो उदाहरण दिया गया है, अम्लों की, धातुओं की, धात्विक ऑक्साइडों की, ये सब इनसे रिलेटेड जितने भी हैं ये पढ़ लेंगे। विरंजक चूर्ण बनाने के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और उदासीनीकरण भी आप पढ़ लेंगे।
उसके बाद आ जाता है व्यंजक चूर्ण का निर्माण, तो आप देख लिए हैं। बेकिंग सोडा भी आप देख लेंगे, खाने वाला जो है ये खाने वाला सोडा इसके। उसके बाद आ जाते हैं धातु, धातु और अधातुओं में। इनमें आपको ये जो आपको स्मरणीय तथ्य है इनको देख ही लेना है। साथ में यहाँ पे मैट किसे कहते हैं, फफूलेदार कापर क्या होता है, मिश्र धातु मुद्रा मिश्र धातु क्या है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, और एक क्रायोलाइट का सूत्र होता है, और ये किसका किसका अयस्क है ये भी आपको याद रखना है, एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे देखिए जितने भी आपको किसी साल आए हुए हैं उनको एक बार देख लेंगे। तो आगे चलते हैं कॉपर के, यहाँ पे देखिए निष्कर्षण में प्रयुक्त है इसका नाम, ठीक है, गन मेटल की संरचना आप देख लेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम के अयस्क पढ़ लेंगे, और अयस्क क्या होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसको देख लेंगे। उसके बाद आ जाता है संक्षारण क्या है, ये क्या होता है, मिश्र धातु क्या है, ये भी आप देख लेंगे। आयरन के अयस्क देख लेंगे, एल्युमिनियम के अयस्क देखेंगे, धातु किसे गर्म किसे कहते हैं, और शुद्ध सोना किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मिश्र धातु यानी कॉपर के दो मिश्र धातुओं के बारे में कुछ दिया गया है, और धातु के सामान्य गुणों को आपको डिफाइन करना है, वो वाला क्वेश्चन होगा। और आ जाते हैं यहाँ पे जंग, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके आपको याद रखने हैं, देख लेने हैं। धातु कर्म से तात्पर्य आप तो देख ही चुके हैं, धातु कर्म में कौन कौन सी चीजें जो होती हैं, निस्तापन भर्जन प्रगलन गलन, ये सारी चीजों को आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फफूलेदार तापा से जो कॉपर से निकालने वाला कॉपर को निकालने का जो प्रक्रिया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये खत्म ही है। यहाँ पे संक्षारण को एक बार फिर से दिया गया है, उसको आप दोहरा लेंगे। यहाँ पे लोहे में जंग लेंगे, यहाँ पे संक्षारण दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है ज्यादा। उसके बाद आ जाते हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन ये पूरा आपको पढ़ने के बाद आपको IUPAC नाम यहाँ पे ये जो दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। IUPAC नाम वहीं पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ये आपको याद रखना है, पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ प्रोपेनॉल ये जो कुछ है इनके IUPAC नाम से संबंधित जो कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सभी के IUPAC नाम लिखने हैं, और यहाँ पे आणविक सूत्र बनाना है ये आपको देख लेना है, और यहाँ पे ये जो दिया गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की संरचना सूत्र इसको भी देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पे इथिलीन से मस्टर्ड गैस का निर्माण का समीकरण लिखना है, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आ जाता है देखिए संयोजक आबंध की प्रकृति देखिए, और अब यहाँ पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा हो जाता है यहाँ पे समझाती है, और साबुन जब साबुन को जल में डाला जाता है तो क्या होता है वो देख लेंगे। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का देख लीजिएगा, और यहाँ पे मेथिन का दहन देख लीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो सजातीय श्रेणी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कई बार आया है, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, वो आ ही जाएगा। और यहाँ पे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं इसको भी देख लेंगे, साथ में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये देख लीजिएगा, साथ में साबुनीकरण क्या है ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे कार्बन के चतुष्फल की प्रकृति पर टिप्पणी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे साबुन क्या है इसको बनाने की विधि, साथ में यहाँ पे और जो है इसको जाने दीजिए, और कपड़ा धोने और नहाने वाले साबुन में अंतर क्या है वैसे एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में मिसल क्या है, मिसल तो बहुत बार आपसे पूछा ही गया है। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में ये सारी चीज़ें आपको तो पढ़ ही लेनी है। साथ में यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो ये विकर्ण संबंध है, आप एक वाला एक पढ़ लीजिएगा, ज़्यादातर एल्युमिनियम का ही आ जाता है, तो आपको एल्युमिनियम और ये जो है बेरियम इनको आपको याद रखना है। साथ में आ जाएंगे कुछ और क्वेश्चन के पर, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा ये विकर्ण संबंध किसका है जो बता दें लिथियम मैग्नीशियम का, ये याद रखेंगे। आवर्त क्या है और मेंडलीव के तत्व मेंडलीव के ने कितने तत्वों को वर्गीकरण किया था वो आप एक बार देख लेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संशोधन, ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार आएगा, उसको एक बार पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी उसमें क्लियर हो जाएंगे जो एक नंबर आने वाले हैं, ठीक है, आप उनको देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पे आ जाते हैं तो कुछ मेंडलीव के प्रारंभिक आवर्त के दोष जो आवर्त सारणी के जो दोष हैं उनको दिया गया है, आप उनको देख लेंगे एक बार पढ़ लेंगे। देखिए जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं आप उन्हीं को पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन उसी के बीच में समाहित रहते हैं। सो
रसायन विज्ञान में बस इतना सा ही, उसके बाद जीव विज्ञान यहाँ पे सूख जाता है। जीव विज्ञान के लिए मैं अगला और अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।